दोस्तों आप सीधी तस्वीरें देख रहे हो राम मंदिर से। आपको राम मंदिर की तस्वीर दिखा देता हूं और यहां पर बहुत सारी जनसंख्या में लोग आए हुए हैं। आपको दिखा दूं यहां पर ये राम मंदिर की सबसे खूबसूरत जो तस्वीर है मैं आपको सीधा दिखा रहा हूं हमारे चैनल के माध्यम से। और आप देख सकते हो यहां पर पूरा का पूरा जो मंदिर है पूरा भव्य रूप से सजा हुआ है। यहाँ पे हवन हो रहा है अच्छी तरह से। अंकुट में जो है मंदिर जी आहुति डालते हुए आप देख सकते हो दोस्तों। और सारे लोग आहुति देकर जो पीछे लोग हैं वो आगे आ रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो आहुति डालने के लिए इच्छुक है ताकि वो आगे आ सके और आगे वाले पीछे जा सके। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये सीधी तस्वीरें जो है हमारे चैनल के माध्यम से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और देख लो पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करते हुए आहुति डाल रहे हैं और लोगों को अच्छी तरह से अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं मंत्रों के माध्यम से। और यहाँ पर ताऊ प्रेम जी भी बैठे हुए हैं पंडित जी के साथ लोगों को समझाते हुए कि आगे आ जाओ। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे हमारे युवा वर्ग भी यहाँ पे खड़े हुए हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो को इतना फैला दो ताकि कोई भी श्री राम से प्यार करता है उसके लिए जय श्री राम लिखना ज़रूरी है। दोस्तों देख सकते हैं आप राम मंदिर के अंदर अच्छी तरह से अपने आहुति लेते हुए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। दोस्तों आपको दिखाता हूँ मैं राम मंदिर के अंदर किस प्रकार से जो है मैं यहाँ पे सारी की सारी लाइव वीडियो। छुट्टी है क्या की छुट्टी है आपको कराता हूँ मैं भव्य दर्शन। देखो राम मंदिर में आए हुए लोग भाई साहब आपको राम मंदिर में आके कैसा लगा? बिल्कुल बढ़िया लगा। बिल्कुल बढ़िया। बहुत बढ़िया। मन शांत हो गया। मन बिल्कुल शांत। आत्मा तृप्त हो गई। आत्मा तृप्त है। अच्छा बहुत अच्छा लगा। कह दे लोग ने एक बार मगर राम मंदिर का नाम दोस्तों भक्तों का कहना है कि श्री राम के नाम पर इस वीडियो को इतना शेयर कर दो इतना शेयर कर दो सारे के सारे सभी की आत्माएं तृप्त हो जाए। तो आप देख सकते हो श्री राम मंदिर के अंदर हम फिलहाल आए हुए हैं।
रुका तो मार दे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ जी, स्टील वाली थाली रखी है। हाँ, स्टील वाली थाली लिया पड़ी पन्ने वाली। हेलो हेलो, हाँ ये चल पड़ा, सही है, कर दे स्टार्ट। बस सारे दर्शकों नमस्कार। फिलहाल मैं हूँ राम मंदिर का अंदर, तो हमने अयोध्या का जिक्र सुना होगा, बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर हवन होना है। लेकिन फिलहाल जो सरसोद गांव के अंदर है, हवन भी हो चुका है, सारे के सारे तक डिस्कस करते हैं, जानकारी लेते हैं। भाई अयोध्या के नाम पर यहाँ पर जो हवन कराया गया है कि उसके अंदर हवन का जो कराने का रीज़न है वो क्या है, सारी की सारी यहाँ पर बातें जो है पूछते हैं। एक बार कैमरा मैन ने कहूँगा भाई उर्ली साइड फोकस कर ले और अंदर की तरफ आ जाए। सारे के सारे दर्शक इस वीडियो ने शेयर ज़रूर कर दियो। फिलहाल यहाँ पर जो है बुजुर्ग या नौजवान साथी खड़े हुए हैं और महिलाएं भी बैठी हुई, सारों सभी से जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम जी? ललित गोयल। ललित गोयल जी, तो ये बताइए जी, जो हवन है कितना टाइम हो गया हवन करवाए हुए यहाँ पे? हवन तो चलता ही रहता है। नहीं, आज कितने बजे स्टार्ट हुआ? आज ये हुआ 10:15। 10:15 बजे, तो मतलब मेरे हिसाब से सबसे पहले इसी मंदिर में हवन हुआ है। ये तो हम क्या कह सकते हैं जी, देखो काम हुआ है। तो कितने लोग आए हुए थे जी यहाँ पे? यहाँ लगभग 300 लगभग लोग। 300 का लगभग, इतने ज़्यादा मतलब गांव के अंदर इतने लोग आना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इस मंदिर के अंदर ऐसी क्या खास बात है, मैंने देखा कि लोग यहाँ पर हर रोज आते हैं और अपनी मन श्रद्धा से जुड़े हुए हैं। क्या आस्था है जी, अपनी अपनी खुद खुद की आस्था है। जो भगवान में विश्वास करता है वो तो आएगा ही आएगा। हाँ, जरूर आएगा, बिल्कुल। अच्छा जी, इस मंदिर को लगभग कितने साल हो गए? इसको लगभग 2.5 साल हो गए पूजा पाठ चलते हुए, लगभग 2 साल बनाने में लगे थे पहले। 2.5 साल में 300-300 लोग आने लगे। हाँ जी, मतलब इतने इस सरसोद गांव के इतने लोग सच्ची श्रद्धा से जुड़े हुए। बिल्कुल सच्ची श्रद्धा है, पहले इस टाइप का मंदिर भी नहीं था ना गांव में, एक शिवाला ही था। तो सभी देवताओं की मूर्तियां यहाँ पे, सभी की आस्था है। चलो और भी यहाँ पर जानकारी लेते हैं। अनिल भाई साहब भी खड़े। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाई साहब अयोध्या मंदिर तो आप जा नहीं पाए, तो भाई अयोध्या मंदिर ऐडे बनाए दिया अयोध्या तो है। हाँ, वन पूजन कहने मतलब अभी हनुमान चालीसा का पाठ होगा 5 का, उसके बाद कहने मतलब प्रसाद का वितरण होगा। बीच बीच में जिस तरह लाइव टेलीकास्ट है LCD वगैरह से अभी चलने लग रहा है प्रोग्राम, मालो पूरी मन श्रद्धा से जुड़े, बिल्कुल श्रद्धा से, बिल्कुल भाव से कर रहे हो। श्री राम सारी उम्र होगी, पूरी उम्र होगी मेरे हिसाब से, पूरी उम्र बीत भी जाएगी जब लग राम का नाम, राम ही का नाम रहेगा। चलो जी, धन्यवाद। और भी यहाँ पे जानकारी लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम सर? संजय गोयल। संजय गोयल जी, तो ये बताइए यहाँ पे इतनी लेडीजें आए हुए हैं, क्या लेडीजें आज ही इतनी आई है या हर रोज आती है? नहीं, हर समय इतनी आती है। हर समय इतनी आती है, वो कोई भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रोग्राम होता है या जगराता करवाते हैं, मतलब गांव में एक बार गोवा देने की जरूरत है, सारे के सारे इकट्ठे हो जाए। बिल्कुल, सभी धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं सभी ग्रामवासी। श्री राम मंदिर के बारे में क्या कहना चाहोगे? राम मंदिर 500 वर्ष बाद राम लला जी का अयोध्या में दोबारा आगमन हुआ है और बहुत ही खुशी और हर्ष की बात है। सभी भारतवासी इसको बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। हमारे गांव सरसोद दिव्य देवस्थान मंदिर में भी इसको बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज सुबह 10 बजे यहाँ हवन की व्यवस्था की गई, उसके बाद रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम LED के माध्यम से लाइव दिखाया जा रहा है।
और फिर भजन कीर्तन में प्रसाद वितरण किया जाएगा। अच्छा, साइड कर ले भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? मेरा कपीश गोयल है जी। कपीश गोयल? हाँ जी। तो कपीश गोयल जी, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है सरसोद गांव के अंदर इतना बढ़िया? कई सालों में मतलब सरसोद गांव में पहले करें तो इतने लोग नहीं जुड़ते थे, लेकिन अब बात करें अवन के अंदर लोग इतने आए हुए। देखो ऐसा है जी, लोगों में आस्था तो पहले भी थी, पर थोड़ा सा मार्गदर्शन की जरूरत थी, साधन की जरूरत थी। अब लोगों को एक अच्छा मंदिर मिल गया है जहाँ पे बैठने की व्यवस्था है, पंडित जी है जो सबका मार्गदर्शन करते हैं कैसे हमें पूजा करनी चाहिए, कैसे हमें हवन करना चाहिए। तो इससे लोगों में क्या और भी आस्था आ गई है। और जब भी कोई प्रोग्राम होता है, चाहे वो जन्माष्टमी हो, कुछ भी प्रोग्राम हो, तो सारे लोग बड़ी आस्था से मंदिर में आते हैं और पूजा करते हैं। ताऊ राम राम। राम राम भाई। ताऊ जी एक बात बताओ, मंदिर मतलब आप बात करा अपना गांव सरसोद के अंदर अवन का ऊपर इतने लोग आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो आपको क्या लगता है भाई, जो श्री राम के नाम पर जैसे अयोध्या में मंदिर बन रहा है, उसके मरने के बाद ज़्यादा श्रद्धा हुई या पहले भी इतनी थी? देखो ये सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं और ये सनातन धर्म गाँव है, और इस गाँव के अंदर जो भी प्रोग्राम होता है मंदिर में भजन का कीर्तन का, तो हमारे गांव के लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और एक ये भव्य जो दिव्य मंदिर बनाया गया है, आज इसमें श्री रामचंद्र जी अयोध्या में रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठान प्रोग्राम हुआ है उसके बारे में सभी ग्रामवासी यहाँ एकत्र हुए हैं और बड़ी धूमधाम से इसको प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम देखेंगे। और श्री भगवान श्री रामचंद्र जी के मैं आस्था रखते हुए और सभी ग्रामवासी अपनी श्रद्धा सुमन यहाँ अर्पित करने के लिए वन के अंदर आए हैं, और हम सभी ग्रामवासियों का और खासकर भारत सरकार का जिन्होंने अयोध्या में 500 साल बाद राम मंदिर मनवाने का ये भव्य प्रोग्राम किया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार और योगी जी ने जो अपार समर्थन और जो साधु संत हमारे 500 साल से इस मुहिम में लगे हुए थे कि कब हमारा राम मंदिर बने। आज एक उस बात बताओ, जिस प्रकार से राम मंदिर बनाया जा रहा है, लेकिन कई जो विपक्षी पार्टी हम बात करें वो ये भी बोलते हैं मोदी जी कुछ नहीं, उद्घाटन से क्या हो जाएगा, देश की गरीबी कम हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो हमारा जो देश है वो सनातन धर्म का देश है, इसके अंदर राजनीति का कोई वो नहीं है, क्योंकि हम सभी 140 करोड़ देशवासी हम भगवान श्री रामचंद्र जी में विश्वास रखते हैं और हमारे ये पूर्वज हैं और इनको मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है, और ये हमारे देश में नहीं विश्व में ही इसको बड़ी धूमधाम से इस प्रोग्राम को आयोजन को मनाया जा रहा है। ताऊ जी एक बात बताओ, क्या श्री राम के नाम पर ही देश की जो बेरोजगारी है वो खत्म हो जाएगी? देखो रामचंद्र जी के नाम से तो सभी दुख दूर हो जाते हैं, बेरोजगारी तो क्या चीज़ है। तो फिर ताऊ जी खत्म हुई तो नहीं बेरोजगारी? इतनी बेरोजगारी होगी होगी। अब श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा आज 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रही है और सभी हृदय में श्री राम का वास होगा और बेरोजगारी भी खत्म होगी। ताऊ जी ये भी बोला जा रहा है जिस प्रकार से कोई भी गरीब बंदा है, गरीब बंदा की तो वहाँ पे एंट्री नहीं, लेकिन जो अमीर बंदा उसके तो साक्षात दर्शन आगे जाके होंगे। देखो ये बात तो तथ्य से अलग है, क्योंकि ये जो राम मंदिर है वो गरीब और अमीर सबके लिए है, लेकिन इतना है कि वहाँ हमारी करोड़ों में संख्या जारी है, उसको संतुलन करने के लिए, उनके रहने ठहरने का प्रबंध करने के लिए इतनी व्यवस्था एकदम सभी दर्शनार्थियों के नहीं हो सकती, इसलिए आज कुछ लाखों लोग आएंगे, उसके बाद मंदिर खुल जाएगा धीरे 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 करते, सभी 140 करोड़ देशवासी जो हमारे हैं वो दर्शन करेंगे, ऐसी कोई वो बात नहीं है कोई गरीब गरीब अमीर की। इस प्रकार से राम मंदिर अयोध्या मंदिर बनेगा, एक पर्यटक स्थल ही बन जाएगा जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, वहाँ पर जो आने वाले हैं वहाँ पर कितने लोग वहाँ पर काम के लिए लगेंगे, कहने का मतलब जो बेरोजगारी वो थोड़ी बहुत है उसके अंदर ऐड हो जाएगी, कहने का मतलब बेरोजगारी थोड़ी बहुत दूर हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर लोगों को काम मिलेगा। ऐसे है जहाँ मतलब कोई भव्य स्थल बनता है या कोई पर्यटन स्थल बनता है वहाँ पर लोगों को रोजगार तो ऑटोमेटिक मिलेगा,
और ये सरकार की भी आस्था है और वहाँ के रहने वाले लोगों की भी आस्था है, क्योंकि जब से भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू है तो लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। तो ताऊ जी एक बात बताओ, अब अयोध्या मंदिर का जो बना है उसके बारे में लास्ट में आप क्या बात कहना चाहोगे? मैं तो ये बात कहना चाहूँगा कि सभी 140 करोड़ देशवासियों को ये हमारे राम पूर्वज हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी हैं, इनको हमेशा हमारे हृदय में रखना चाहिए और इन हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाना जाना चाहिए। बताओ जी एक बार जय श्री राम का नारा। जय श्री राम, जय सिया राम। ज़्यादा शेयर जरूर कर देना और इस वीडियो को जो शेयर करेगा और जय श्री राम लिखेगा उसी की मनोकामना शायद पूरी हो सकती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बस तो इतनी मन श्रद्धा से जुड़े हुए हैं लोग अयोध्या मंदिर से कि टीवी के अंदर ही देखने लग रहे हैं। भाई जो अयोध्या की तरफ से जो लाइव तस्वीरें आ रहे हैं, नमस्कार जी, इस टीवी में क्या देख रहे हो जी? इस टीवी में अयोध्या का प्रोग्राम देख रहे हैं। अयोध्या का प्रोग्राम मतलब श्री राम से दिल से जुड़े हुए? बिल्कुल है। बिल्कुल। अच्छा जी, कहाँ से आए हो आप? यही है अपने मंदिर से, मंदिर में का प्रोग्राम अपना ही है। अच्छा जी, क्या नाम सर आपका? महावीर प्रसाद। अच्छा महावीर प्रसाद जी, तो आज इतने आपके जो पूरा गांव का ही मंदिर लगाया हम, जैसे कहने का मतलब ये है भाई लोग इतनी श्रद्धा से जुड़े हुए, आज आपको कैसा महसूस हो रहा दिल से भाई? इतने लोग सोचा था भाई जुड़ जाएंगे? नहीं, इतना सोचा नहीं था, उससे ज्यादा ही। अच्छा, हाँ हाँ, उससे ज्यादा ही, ज्यादा ही। वैसे अपने गाँव का पूरा लगाव है मंदिर से। अच्छा जी, पूरा लगाव है। पंडित जी राम राम। पंडित जी कैसा महसूस हो रहा है आज भाई इतने लोग जुड़ गए हैं? बहुत बढ़िया, अति आनंद का विषय है, अति उत्साह है इस आयोजन में और सभी ग्रामवासियों की एवं जो मंदिर जनों ने बनाया है सभी हर्षोल्लास के साथ इस आयोजन को दिव्यता और भव्यता के साथ बना रहे हैं और श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और भाई और भी जिस तरह पे जानकारी ले सकते हैं, अंकल आइए एक बार। लव अंकल जी जा रहे हैं भाई मंदिर में, कुछ पहले तो आए थे देखे भाई। अंकल जी नमस्कार, क्या कारण आ जाए नहीं मंदिर में? यार मैं इसलिए नहीं आया, राम कुमार अपना सेठ है ना, ये गुजरे इसलिए नहीं आया। अच्छा, ये हाँ जी। तो अंकल जी वैसे राम के नाम पे श्रद्धा बिल्कुल? अरे वो तो तेरी बात मान गया, पर घर में हो गया यार, घर में हो गया, ये बात। चलो भाई, हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार, आपका शुभ नाम जी? विनोद कुमार गोयल। विनोद कुमार गोयल जी, आपके सामने मंदिर बना हुआ है और लोग इतनी संख्या में आए हुए हैं, अयोध्या जो अयोध्या का मंदिर बन रहा है आज, वहां पर बोला जा रहा है कि आज के दिन दिवाली मनाई जाएगी, तो आपको इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया है जी। बहुत बढ़िया है, कहने का मतलब असली जो दीपावली है वो आज होगी, क्योंकि अयोध्या में श्री राम का मंदिर का उद्घाटन जो आज हो रहा है अमन होगा वहाँ पे। ठीक है हमारे लिए तो। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। हाँ एडा लबे एक सेकंड, अरे एक के मिनट की क्लिप रहेगी, रुक जाए एक बार, एक मिनट की क्लिप रहेगी, बस अमन साइड की क्लिप कर ले। सर अमन साइड की तो ले लेंगे एक बार, तो उर्ली साइड कर लेंगे। हाँ भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? धर्मवीर। धर्मवीर जी, आप यहाँ पे क्या काम करते हो? भाई आड़ा सेवा ला। हाँ मैंने तो पहले भी देखे थे आप सेवा कर रहे हो यहाँ पे, पूरा जमानो श्री राम के नाम पे भक्ति जमानो कसूट रहे हो जमानो सागर जी हैं, पर कदे राम रूम देखा कौन? देखा सपना में राम तो रोजे दिखा, सपनों में रोजे दिखा है किसा? फिर मैं नहीं बता दे बैठन दे टाइम है, सांझ का टाइम में दिखाऊंगा। ओ दूसरा राम तो दिखा दे ना? ना दूसरा राम नहीं, मतलब भक्ति पे बैठने दे ना। हां अच्छा, हनुमान भी आओ गले, राम राम भी आओ, राम भी भगवान हनुमान भी, उंगली साइड दे छाती दिखाने लग रहा। अच्छा राम भी आवे है? हाँ। तो ईब ये टोपा भी राम का नाम का पह रहा है? उसे का नाम तो पह रहा हूँ। अच्छा उसका नाम का पह रहा है। अब लास्ट में क्या कहना चाहोगे आप? लास्ट में क्या यार सेवा करा भाई, शुद्ध जाड़े सुतरे दिन आए गए भगवान में देवा है, देखा नजदीक आन रहे, नजदीक चढ़न आ रहे हैं सुतरे दिन। चलो जय श्री राम का नारा लगा दो लास्ट में, जय श्री राम। वीडियो ने कर दियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और श्री राम का नाम पर एक बार कमेंट जरूर लिखे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।